आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। अम्बेडकर नगर में आयोजित जागरण पर पहुंचे सांसद रामस्वरूप शर्मा, प्रदेश वासियों को गुरु रविदास जयंती समारोह की दी बधाई। लोहाखरी पंचायत वासियों ने संघर्ष समिति के माध्यम से उठाई मांग, कई वर्षों से लंबित प्रदर्शन का कार्य किया जाए पूरा। मनाली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई बस स्टैंड की सफाई, अप्रैल में डिस्पोजल बंद करने का नगर परिषद ले सकती है फैसला। और शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया समापन, रेंजर क्लब मंडी ने चैंपियनशिप पर जमाया कब्जा। पूरे देश भर में गुरु रविदास की 639वीं जयंती मनाई गई। गुरु रविदास जयंती के इस उपलक्ष्य पर गुरु रविदास सभा कमेटी अम्बेडकर नगर में पिछली रात एक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने शिरकत की। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित जागरण पर पहुंचे सांसद रामस्वरूप शर्मा को गुरु रविदास सभा कमेटी के प्रधान हिरदू राम ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें प्रण लेना चाहिए कि रविदास के बताए हुए मार्ग पर चलकर पूरे भारत को आगे लेकर जाएं। आज पूज्य गुरु रविदास जी की 639वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पूरे हिमाचल वासियों को, मंडी पार्लियामेंट के सभी महानुभावों को उसकी शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से आज पूरे भारत में उसने अपनी ख्याति पाई थी और पूरे समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज दिव्य पुरुष का आज 639वां जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम प्रण भी करते हैं कि उनके बताए वो मार्ग पर चलकर उस बात को आगे लेकर जाएं, पूरे समाज में एक अपने बने का वातावरण बने और भारत पूरा विश्व गुरु बने। हम संतों की प्रेरणा लेकर ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी गुरु रविदास की पूरे देश में 639वीं जयंती मनाई गई। गुरु रविदास जयंती के इस पर्व पर गुरु रविदास सभा कमेटी अम्बेडकर नगर में पिछली रात एक विशाल जागरण का आयोजन किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर नगर से पूरा कॉलोनी में भोजपुर से एक नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500-600 हमारे गुरु प्रेमियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं अपने रविदास सभा की ओर से पूरे समस्त प्रदेशवासियों, अपने शहर के निवासियों को इस प्रकाशोत्सव की बधाई देना चाहता हूँ। और आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही, इस कीर्तन में बहुत ही अच्छे बाहर से पाठी आए हैं और उनके कीर्तन का लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। गोहर उपमंडल के कोट गांव में गुरु रविदास जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और जन समूह को संबोधित करते हुए रविदास के जीवन पर भी प्रकाश डाला। हम सभी गांव लिखा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रहदास रहे पसंद। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा गुरु रविदास जी ने दी है हमें, हमें उस शिक्षा के ऊपर चलना चाहिए। जो विचार उन्होंने दिए थे हमें उन विचारों पर चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रदेश का भी, इस देश का भी और हमारे समाज का भी सुधार हो सके, यही मैं कहना चाहूंगा। कोई एक आध परसेंट कोई दूसरी तरफ भी गया होगा, उसकी गिनती नहीं की जाती।
गुरु रविदास पंचायत कमेटी मंडी द्वारा गुरु रविदास जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं भजन मंडलियों द्वारा गुरु की महिमा का खूब गुणगान किया गया। बीती रात गुरु रविदास पंचायत कमेटी ने गुरु रविदास जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जागरण का आयोजन किया था। वहीं जागरण के दौरान श्रद्धालु गायक संजय संधू के गानों पर झूमते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रविदास गुरुद्वारा मंडी में गुरु रविदास का 639वां जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर पर झंडा रस्म भी अदा की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में दरबार में हाजिरी भरी और गुरु की महिमा का गुणगान किया। श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन का 3 दिन का जो हमने प्रोग्राम रखा था वो आज आखिरी दिन है। आज श्री गुरु साहब जी को झंडा रसम की गई, जिसमें सारे समस्त मोहल्लावासी और आसपास के श्रद्धालु जितने भी सब लोग आए हुए थे और सब ने जयकारे के साथ श्री गुरु रविदास महाराज जी के झंडे को भावभीनी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसके बाद वहाँ से हमारे एक प्राचीन गुरुद्वारा है जहाँ झंडा बाबा भी है, अभी वहाँ आए हुए हैं और वहाँ भी झंडा रस्म की गई और बहुत से श्रद्धालु साथ आए हुए थे। महिलाएं सब अपने भजनों के साथ यहाँ भी झंडा रस्म अदा की गई। आज बाबा गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन है तो सभी संगतें जो हैं बड़ी खुशी के साथ इसको हर्षोल्लास से मना रही हैं और झंडे साहब की रस्म जो है वो ऊपर बड़े गुरुद्वारे में भी अदा की गई और यहाँ बाबा झंडा गुरु साहब के गुरुद्वारे में भी अदा की गई। मैं सभी जनता को बधाई देता हूँ आज के दिन की। ये आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का है, हम उसका एक कल्पना नहीं कर सकते। जितनी खुशी एक माँ को एक बच्चे को पैदा करने के लिए होती है उससे भी कई माँ ज़्यादा खुशी जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। गुरु रविदास जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर महिलाओं द्वारा खूब भजन कीर्तन किया गया। आपको बता दें कि संत कवि रविदास का जन्म वाराणसी के पास एक गांव में सन 1398 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था और रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया था। रविदास जो भी कार्य करते थे उसको पूरी लगन के साथ किया करते थे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं गुरु रविदास जयंती समारोह में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के समन्वयक चमन राही ने भी दरबार में हाजिरी भरी। चमन राही ने बताया कि गुरु रविदास के बताए हुए मार्गों पर चलकर ही भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज पूरे विश्व में गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और जिला स्तर के ऊपर भी ये आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जिला स्तर के जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको लख लख बधाई देता हूं और विशेष रूप से जो भीड़ लगी है, जो लंगर लगा है, मैं तो यही आज मन्नत करूंगा इस मंदिर में हम जब पहुंचे हैं कि गुरु रविदास जी के आदर्शों के ऊपर हम चल के, गुरु रविदास जी ने जो आदर्श, उनके आदर्शों के ऊपर चल के हम समाज के निर्माण के लिए अच्छे कार्य करेंगे। और आज हमें इस चीज़ की बहुत ही फख्र है कि गुरु रविदास जी कर्म के हक में उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है, कर्म का उन्होंने आदर्श दिए हैं समाज के लिए, और कर्म ही पूजा है। उस कार्य को करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी उनके आदर्शों के ऊपर चल के भारत के संविधान की रचना की है, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, साथ ही एचपी, टेट, जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। 24 फरवरी को हिमाचल प्रदेश संघ के सदस्यों द्वारा कांगड़ा चामुंडा मंदिर में वार्षिक समारोह आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी पंडोह में मिल्क फेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। वहीं चेतराम ठाकुर ने बताया कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, तब से इन 3 सालों में 5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। 24 फरवरी को हिमाचल प्रदेश दुग्ध उत्पादक संघ के सदस्यों का चामुंडा माता कांगड़ा के परिसर में वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, और जिसके लिए मैं आज कांगड़ा रवाना हो रहा हूँ, और 23 तारीख को वहाँ पर 4 बजे हमारे बोर्ड की बैठक है। और जो प्रदेश में दूध के संबंध में कमियां, त्रुटियां, सुझाव और उनके बारे में जो निर्णय लेने की फैसले उस सम्मेलन में लिए जाएंगे, और वर्तमान में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार, श्री वीरभद्र सिंह की सरकार 3 साल बने हुए हुए, हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन लगातार इन 3 सालों में 5 करोड़ रुपया से ऊपर का शुद्ध मुनाफा प्राप्त कर रहा है। ये इतिहास में पहली दफ़े हुआ है।
सदर पुलिस थाना मंडी में रोड सेफ्टी क्लब द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान एएसपी अरजीत सेन ठाकुर ने अध्यक्षता की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि बैठक के दौरान क्लब के सदस्यों के साथ भविष्य के लिए रणनीतियां तैयार की गई, वही योजना बनाई गई कि लोगों को सड़क सुरक्षा और नशे से दूर रखने के लिए भी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमने रोड सेफ्टी क्लब की एक मीटिंग करवाई पुलिस थाना सदर में, इसमें हमारे चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं वो सारे मौजूद थे, और उसमें हम सिविल सोसाइटी और पुलिस विभाग की कोऑर्डिनेशन से एक जो हमारा रजिस्टर्ड सोसाइटी है रोड सेफ्टी क्लब की, उसके हम आगे जो फ्यूचर में हमने अगले कमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो प्लान करने हैं और जो प्रोग्राम शुरू करने हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा हम कई चीज़ों पे काम करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर काम जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, जिसमें लोगों को रोड सेफ्टी और नशे से बचने के लिए कई प्रोग्राम्स किए जाएंगे। हमने ये भी डिसाइड किया इस मीटिंग में कि फ्यूचर में कुछ वॉलंटियर्स को हम एसोसिएट करेंगे और उनको सिखाएंगे ताकि वो मंडी शहर को और सेफ बना सकें, और ट्रैफिक के एक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा होते हैं मंडी शहर में क्या हिमाचल प्रदेश में भी, उसमें हम कमी लाने के लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे। बाकी हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक अपना फंड्स जनरेट करें जिसमें सिविल सोसाइटी जो मंडी शहर की है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने डोनेशन दे, ताकि हम आगे प्रोग्राम करते रहें और मंडी शहर को हम और पैसेंजर्स के लिए और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और आम जनता के लिए ज़्यादा सहूलियत और सेफ बना सकें। एबीवीपी सुंदरनगर के सदस्यों द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में परिषद के प्रांत मंत्रियों द्वारा छात्रों को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी गई और सोशल मीडिया की एक छात्र के जीवन में आखिर क्या भूमिका रहती है इसको लेकर भी चर्चा की गई। कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी ने बताया कि इस कार्यशाला का महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले परिवर्तन के ऊपर था। इसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे सीधे विद्यार्थियों में संवाद स्थापित करके छात्रों की समस्याओं को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। आज सोशल मीडिया आम समाज की एक बुलंद आवाज़ बन चुका है। इसके माध्यम से सीधे जन संवाद कैसे हो और इसका उपयोग राष्ट्रहित में कैसे किया जाए जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दो दिवसीय कार्यशाला 21 और 22 फरवरी को सुंदरनगर के तक्षशिला शिक्षण संस्थान में करने जा रही है, जिसमें आज 21 फरवरी को सोशल मीडिया की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य केवल मात्र ये है कि आज हमारे समक्ष कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया आज यूथ के समक्ष बहुत बड़ी एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है। उन युवाओं तक विद्यार्थी परिषद अपना विचार, अपनी गतिविधियां, जो हर दिन विद्यार्थी परिषद अपनी गतिविधियां अपनी इकाई में प्रदेश भर में करती है, उन अधिक से अधिक युवाओं तक अपनी गतिविधियां अपने विचार को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है, और इस हेतु आज विद्यार्थी परिषद ने प्रत्येक इकाई से एक एक कार्यकर्ता इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं, और उन किस तरह हम सोशल मीडिया में अधिक से अधिक अच्छे तरीके से अपने विचार को पहुंचा सकते हैं, इसकी कार्यशाला आज यहां पे आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज के समय में सोशल मीडिया हर पल की खबर लोगों तक पहुंचा रहा है और इस पर हर व्यक्ति अपना मत प्रकट कर रहा है। यह दुनिया में सबसे तेज सूचनाएं पहुंचाने वाला साधन बन चुका है, जिसके कारण इसका सकारात्मक उपयोग होना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर व्यक्ति अपना मत निडर होकर रखता है। यह आज के समय में सबसे सस्ता और हर जगह सुलभ साधन बन चुका है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी मुहिम चलाने की आवश्यकता है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग,
कॉटन बेड शीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। डॉक्टर हेमंत कुमार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theater with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. मंडी में आयोजित शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर DSP मंडी ने शिरकत की और खिलाड़ियों को इनाम बांटकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 18 टीमों द्वारा भाग लिया गया था। वहीं रेंजर क्लब मंडी ने यह प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। रात्रि 2006 का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आज फुटबॉल का फाइनल था, जिसमें रेंजर क्लब मंडी और मंडी की ट्रंप FC जिन्हें KP से फाइनल खेला गया, जिसमें रेंजर्स क्लब मंडी जो है विनर हुई है, घोषित की गई। इसके अलावा इसमें 18 टीमें थी जिन्होंने भाग लिया स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता में। दो यहां प्रदर्शनी मैच भी करवाए गए हैं। ये 17 तारीख को जो है शुभारंभ हुआ था इस टूर्नामेंट का, जिसका आज फाइनल खेला गया। शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष लीला विलास ने बताया कि इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाने का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल का मैदान उपलब्ध करवाना है, ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दर्शा सकें। इस प्रतियोगिता में 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें दो जूनियर लेवल की टीमों का भी एक एग्जीबिशन मैच करवाया गया, जो कि मंडी और सुंदरनगर के बीच में हुआ, जिसमें सुंदरनगर की टीम जो है 3-0 से विजयी रही। यह प्रतियोगिता मतलब 17-2016 से 21-2016 तक चली और इसका एक मतलब बहुत ही अच्छा सफल आयोजन। क्या मोटिव रहता है सर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का? डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता करवाने से ऐसा होता है कि मतलब जो गांव में या जो जिनको किसी प्रकार से स्टेट की टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता, तो इन छोटे टूर्नामेंटों में सभी बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा यहाँ निखार सकते हैं और आने वाले समय में वो मंडी या हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पडल मैदान मंडी में 17 फरवरी को किया गया था, जिसमें 18 टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा का दमखम दिखाया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। अम्बेडकर नगर में आयोजित जागरण पर पहुंचे सांसद रामस्वरूप शर्मा, प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती समारोह की दी बधाई। लोहाखरी पंचायत वासियों ने संघर्ष समिति के माध्यम से उठाई मांग, कई वर्षों से लंबित प्रदर्शन का कार्य किया जाए पूरा। मनाली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई बस स्टैंड की सफाई, अप्रैल में डिस्पोजल बंद करने का नगर परिषद ले सकती है फैसला। और शिवरात्रि फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया समापन, रेंजर क्लब मंडी ने चैंपियनशिप पर जमाया कब्जा,